का मोर बहुत बढ़िया लगा यार, इतना शानदार लग रहा है ना। ये दो मोर है स्टैंड के साथ में। मोदी जी को दी गई तूने? तू किसको देगा, किसको देगा तू वोट? बड़ा हो जाएगा तू। गुड मॉर्निंग एंड कमागनी। सो नटखट सो रहा है? अरे बेटा आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है और तू सो रहा है? क्योंकि आज हमारे यहाँ राजस्थान में है स्टेट इलेक्शन और आज हो रही है हमारे यहाँ पे वोटिंग। सो वोटिंग तो सुबह अर्ली मॉर्निंग 6 बजे शुरू हो गई थी, बट मैं तो उठाई भाई 11 बजे के आसपास हूँ। सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक 12:30 हो रहे हैं। सो अभी नहा के और उसके बाद चलते हैं वोटिंग करने के लिए। शेव बहुत बड़ी हो रखी है, ये थोड़ी सी ट्रिम कर लेते हैं। बस मैं एक्चुअली काम चल रहा है सारा पेंट वगैरह का। क्या देखो पूरा सोफे वगैरह सब बाहर है। क्या कर रहा है? बाइनोकुलर से किसको देख रहा है? मेरे को। कहाँ दिखा क्या मैं? कहाँ दिख रहा हूँ? चांद पे हूँ ना मैं? मैं से तैर रहा हूँ चांद पे है? चांद पे तैर रहा हूँ मैं। सर ये सारा एरिया मतलब डाइनिंग रूम पूरा का पूरा चेंज हो रहा है। ये ड्राइंग रूम जो है ये पूरा वापस से इसका कलर इंटीरियर वगैरह जो है वो सारा चेंज करवा रहे हैं। तो भाई हो गया तुम्हारा रेडी भाई? ठीक है तो अब चलते हैं वोट देने के लिए। दादू से दादी सभी तैयार हो गए। दादू सा तैयार हो गए, दादी तैयार हो गए वोट देने के लिए। नीतू बुआ सा देके आ गए। निक बुआ सा ने वोट दे दिया। इसको दिया कमल पे। बीजेपी यहाँ अपने कितने वोट लगते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 वोट लगते हैं। 10 के 10 वोट किसको दिए? बीजेपी को। बीजेपी किसको दिए? ओ मोदी जी को दी गई तूने? तू किसको देगा, किसको देगा तू वोट? बड़ा हो जाएगा तो पर्ची है ना ये बड़ी पर्ची। चलो फिर चलते हैं भाई फटाफट, 5 मिनट का काम है भाई। वैसे तो मुश्किल से 50 मीटर भी नहीं है, लेकिन दादी सर से चला नहीं जाता इसलिए गाड़ी लेके आनी पड़ी है। तो ये रहा हमारा जो वोटिंग सेंटर है, सब यहीं पे खड़े हुए हैं। तो गाड़ी पार्क करके और भैया अपन चलते हैं फटाफट वोट देके आ जाते हैं। सो वी हैव कास्टेड आवर वोट और पता है सबके सब ने एक ही पार्टी को दिया है, दैट इज नरेंद्र मोदी, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। विवान पूछता है मेरे को कि मैं पापा मैं वोट कब दूंगा, तो मैंने बोला अभी तेरा वोट देने के अंदर 11 साल पड़े हैं, 11 इयर्स। तू वोट पता कब देगा? एक दिन बाद। तू देगा अभी 2023 है, 2023, 2033, 2034 में ये वोट देगा जब ये 18 इयर्स का हो जाएगा। तू कब देगा? ये तो देगा 2041 में देगा, ये 2041 में वोट देगा ये निक। चलोगे क्या वहाँ पे? हाँ, चलना तो है। वॉल आर्ट देखने के लिए यार कुछ के दे खाने के लिए। हाँ। जब मम्मी को बोल पापा को भूख लग रही है खाना खिलाओ। तो गाइस जाना तो डी कैथलॉन था, लेकिन पापा ये बोल रहे हैं कि पहले एक बार चल के ना मेटल वॉल आर्ट दिखाते हैं। तो मैंने बोला चलो ठीक है, डी कैथलॉन में ज्यादा टाइम लग जाएगा, उसमें ज्यादा टाइम लगेगा नहीं मेरे हिसाब से। जो दुकान है दैट इज इन राजा पार्क, लेकिन जाते जाते पापा को भूख लग गई। मैंने बोला चलो ठीक है पापा से बना के खिलाता हूँ आपको गर्मा गर्म। कौन? हाँ सो दादी सा का तो खाना रेडी है, सैलेड, दही, पराठा और भिंडी की सब्जी। लो दादी सा अखबार दो क्या? तो सबने खा लिया, सिर्फ दादू सा बचे हुए हैं भाई। ये अपना आज का खाना अमरूद। यार मैं डाइटिंग में चल रहा हूँ, बहुत मोटा हो गया हूँ यार, बहुत ज़्यादा। I'm 84। एनीवेज अभी आटा गूंथता है दादू के लिए बनाते हैं, तब तक मैं खा लेता हूँ अमरूद। भाई अब अपन निकल रहे हैं राजा पार्क के लिए। राजा पार्क के पास में आदर्श नगर जगह है, जो मेटल वॉल आर्ट है
वो देखने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि पापा बोल रहे हैं कल भी नहीं जा पाए, आज भी नहीं जा पाए, मतलब इट वुड गेट डिलेड। सो गाइस मैं आ गया हूँ एनी क्रिएशंस, दैट इज इन राजा पार्क, अपना जो मारुति का शोरूम है उसके जस्ट सामने वाली गली है, वो आगे डिडेंट आगे राइट लोगे तो यहाँ पे इनका पूरा का पूरा शॉप है। सो यहाँ पे एक एक पीसेस है, इनकी पूरी फैक्ट्री जो है दैट इज एट सम यू नो सम अदर लोकेशन। सो आपको लुक चीज़ें दिखाता हूँ, आपको आर्टिफैक्ट दिखाता हूँ, जो वॉल हैंगिंग, जो मेटल क्राफ्ट, जो आप ये आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, एंड दे हैव वेरी ब्यूटीफुल पीसेज। और जो उसके बाद में दिखाता हूँ मैंने कौन से दो तीन पीसेज जो है वो शॉर्टलिस्ट करके फाइनलाइज करे हैं। एनी क्रिएशंस इन आदर्श नगर राजा बाग के पास में पड़ता है, बहुत प्यारा लग रहा है ये वाला पीस, वाला पीस बहुत प्यारा लग रहा है, ये लालटेन टाइप की लटकानी नीतू ये लेके आऊंगा मैं और अपने पेट के पास में लगाऊंगा, मेरे से लड़ाई करेगी ना तो इसी के अंदर ही गोला लगा के डिशम कर दूंगा मैं। मम्मी पंगे लेगी ना तो टोप से उड़ा देंगे मम्मी को। एक दादू सा महाराज की फोटो के नीचे ये रख सकते हैं, एक टीवी के नीचे और ये रख सकते हैं टीवी के नीचे, तो टीवी के नीचे उधर दादू सा महाराज की फोटो के नीचे अपन कर सकते हैं, इसमें वो रख सकते हैं, ये रख सकते हैं, टोप भी अच्छी लग रही है लेकिन भारी हो जाएगी, टोप तो बहुत भारी नहीं हल्की है, बिल्कुल बिल्कुल हल्की है लगेगी, जोरदार ही है। कितने की है सर ये तोप? तो भाई शॉपिंग तो अपन लोगों ने कर ली है और घर जाके दिखाता हूँ, हम लोग ने दो तो हम लोगों ने साथ में ले लिया, बाकी दो जो है वो शिपमेंट घर पे होगी क्योंकि बहुत बड़े बड़े पीसेस थे। तो अभी लगी हमारे विवानसा को भूख, अब भूख लगी है तो विवानसा के लिए मंगाई है हम लोगों ने चटपटी पाव भाजी मेरे लिए और विवान खा रहा है डोसा, इतना बड़ा यार गजब है यार विवान साइज तो। कैसा है विवान है? मस्त है क्या? अच्छा है या मस्त है? पापा खा लो ना, थोड़ा तो खा लो, मसाला है आलू का, ये तो तीखी वाली चटनी है, चटनी है या ग्रेवी है पता नहीं। है क्या? बहुत तीखी चटनी है। तो गाइस एक तो ये वाला क्लॉक लिया है, क्या शानदार लग रहा है यार, ये इट्स ऑल वुडन, ये कम से कम नहीं तो लेके चलो ये 5 किलो के आसपास का वेट है इसके अंदर, ज्यादा है। और एक लिया है ये वाली तोप, ये देखो ये वाली तोप ली है, बाकी दिखा देता हूँ, ये बैनियन ट्री है ये मेटल का, सो ये है 8 फीट तो लंबा है और हाइट के अंदर जो है दैट इज ऑलमोस्ट 4 फीट। और एक ये लिया है हम लोगों ने, ऑर्डर किया है, ये दो चीज़ें तो अभी ऑर्डर पे आएगी, ये 4.5 फीट बाय 4.5 फीट की हाइट का है, बीच में सूरज लाइट वाइट जलती है, लाइट तो इसके पीछे भी जलती है, तो टोटल 4 पीस अभी ऑर्डर करें, ये दो तो अभी आएंगे 1-2 दिन के अंदर। एक ऑप्शन ये भी था लेकिन ये बहुत ज़्यादा ना ब्राइट है, दिस लुक्स डस्की और थोड़ा सा एंटिक का फील आता है, ऑप्शन ये भी था ये देखो, लेकिन मेरे को चाहिए था एक ये वाला, बहुत प्यारा लग रहा था बट इसके अंदर मतलब ब्रॉन्ज और नेचुरल कलर है, तो घर पे पूछा तो घर पे सबको ये पसंद आया, नीतू को, अन्नू को, कहाँ गया दिस वन। मेरे हिसाब से डीकैथलॉन ना यार कल चलना चाहिए, कि हम यहाँ से 2-2.5 बजे के पास में जाएं और 2-2.5 बजे निकले यहाँ से और 3 बजे पहुंच जाएंगे या 2.5 बजे पहुंच जाएंगे, 2:30-3 बजे के आसपास में, फिर 2 घंटे 4-4.5 बजे तक पूरा घूमेंगे, एक लिस्ट बना लेंगे हम लोग कि दिसंबर वाले ट्रिप पे मेरे को क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, उस लिस्ट के हिसाब से हम लोग शॉपिंग करेंगे। तो मैं क्या करूंगा कि मैं वहां का प्राइस कोटेशन ले आऊंगा और प्राइस कोट लेके आने के बाद में देन उसको मैं बाकी जगह वो कर लूंगा, क्यों मतलब अमेजन पे या किसी दूसरे कहते ना ऑफलाइन किसी दुकान पे जाके अगर मेरे को कहीं पर अच्छा सामान मिल जाए या टेंट्स वगैरह या स्लीपिंग बैग तो मेरे पास में है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि नीचे का मैट ले लूँ क्योंकि वहाँ ठंड बहुत होने वाली है हिमाचल के अंदर, तो वो सोच रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से कल चले 2-2.5 बजे के आसपास में, है ना,
तो गाइस यार कल ही चलेंगे यार, अभी है ना वैसे भी वो सोएगा, परेशान होगा और वो मजे भी नहीं ले पाएगा, तो 2-2.5 बजे आसपास चलेंगे, तो उस टाइम भी थोड़ी सी गर्मी भी होगी, तो विवान भी वहाँ पे आराम से खेल सकता है, वहाँ बास्केटबॉल वगैरह सब कुछ सपोर्ट वगैरह वहाँ डीकैथलॉन में। तो फिर कल ही चलते हैं ना, है ना, डन है पक्का? चलो ठीक है, तो अभी तो कहीं नहीं जा रहे भाई, अभी तो लिया प्लान चेंज, अभी तो अपन मिलेंगे अपने कपड़े चेंज आपने के नाम से, आज चलेंगे अपन शाम को बाहर दोस्तों के साथ में गेड़ी मारने के लिए, आऊँ किसी मेजर काम के लिए, क्योंकि मेरी एक सिम जो है वो हो गई बंद और मेरे को वो सिम रिप्लेस करवानी है। तो भाई सो गाइस सिम तो चेंज करवा ली है मैंने, लेकिन यार बड़ा लफड़ा यार, अब जो मेरा ये वाला नंबर है, जो मेरा मेन नंबर है, ठीक है, ऑफिशियल नंबर, अब उसके अंदर मैं एक्चुअली लास्ट टाइम मैं लद्दाख गया था, तो लद्दाख में मैंने क्या करा, मैंने ऑनलाइन प्री टू पोस्ट करवा ली। अब प्री टू पोस्ट उस टाइम तो करवा ली क्योंकि इमरजेंसी थी, मैं लद्दाख में जैसे ही मैंने कहते ना लद्दाख की बाउंड्री के अंदर एंटर हुआ, मेरी वो सिम जो है बंद हो गई। उसके बाद में कॉन्टैक्ट करने में पता लगा कि भैया आपने ऑनलाइन जो है वो प्री टू पोस्ट कन्वर्ट करवाई है, फिजिकल KYC नहीं कराई, उस वजह से आपके सिम जो है लद्दाख में नहीं चलेगी। उसका तरीका एक ही है, या तो वापस हिमाचल जब एंटर घुसोगे तब वापस आपके सिम चलेगी, या फिर आप वापस राजस्थान में जाओ, वहां जाके अपना फिजिकल KYC कराओ। उसके बाद में मैंने बोला भाई 12 दिन 11 दिन के ट्रिप के अंदर मैं वापस जाऊंगा एक सिम के लिए, लेकिन 5 दिन बहुत परेशान रहा था। तो उस टाइम पे जब मैंने जो प्री टू पोस्ट करवाया था और जो मैंने प्लान सेलेक्ट करा था ना, अब वो प्लान जो था वो फैमिली प्लान सेलेक्ट हो गया गलती से। अब इसको चेंज करवाने के लिए नॉर्मल इंडिविजुअल प्लान में ये मांग रहे हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट। सो एनीवेज यहां से चलते हैं वापस घर, क्योंकि आज जो है वो जगत में छुट्टी थी, इलेक्शन की वजह से गवर्नमेंट ने छुट्टी दे रखी थी, तो मेजरली जो मेरे यार दोस्त हैं सारे के सारे, वो कईयों का जो है वोटर आईडी जो है वो बना हुआ है गांव का, तो वो गांव गए हुए हैं अपना देने के लिए, तो सीम्स लाइक देयर वुड बी नो पार्टी। सो इसी के साथ में आज का व्लॉग जो है वो करते हैं यहीं पे समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद खमागणी।